तो गाइस अभी हम रामपुर से निकले हैं ना, और जैसे ही निकले हैं अभी 5 मिनट हुए थे निकले हुए, और रास्ते में आपको दिखाना था, ये है आपके सामने सतलुज रिवर, जो कि यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर तक हमारे साथ साथ चलेगी। और मैं आपको रास्ते में दिखाते हुए चलूँगा नज़ारे जो भी हैं। ये रिवर आ रही है ऊपर से कि नॉर्थ साइड से आती है रिवर, आप देख रहे हैं ये, और दीदी के घर के सामने बिल्कुल ये नीचे मैंने आपको दिखाया था जो पार्ट, वो है ये पार्ट। और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, आप पीछे मेरे बैक में देख सकते हैं कितने बढ़िया मौसम है, ऊपर पहाड़ हैं। ये जो इस साइड में मैं जहाँ खड़ा हूँ इस समय, ये डिस्ट्रिक्ट आपका शिमला, और वो नदी के उस पार, सतलुज के उस पार जो है डिस्ट्रिक्ट आपका कुल्लू आ जाता है। तो चलते हैं आगे फिर दीदी, चलो। अरे अब कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकती हैं? चलो यार, चल पड़ यार आरुषि। मैं कह रहा हूँ आरुषि दीदी चलो। अच्छा। तो बोल रही यार कैसे जा सकते हैं अभी। जी जी आप ही चलो। अच्छा सड़क तक आएंगे बस है। चलो ठीक है। आश बाबू उठ जाओ यार, हम जा रहे हैं। राघव उठाओ यार इसे। आश भैया उठ जाओ, देख सकते हैं आप अभी भी ये सोया हुआ है आश। हम जाने की को तैयार हैं और ये अभी तक सोया ही हुआ है। उठ जा। ठीक है आश भैया चलते हैं। आरुषि दीदी आ जाओ चलते हैं, मिलेंगे फिर बढ़िया से नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना। जब दोबारा मिलेंगे फिर, ठीक है। बाय बाय करते हैं सभी को, बाय बाय। लेकिन हमारा ब्लॉग यहाँ से शुरू हो रहा है अभी, तो फिर चलते हैं और फिर जिया जी भी आगे। चलो बाय बाय करते हैं फिर आप सभी को, फिर हम चलेंगे आगे। ये है हनुमान जी की मूर्ति रामपुर पहुँचते ही, जो कि हमें दर्शन होते हैं। जय श्री बजरंग बली जी की, बहुत ही बढ़िया मंदिर है। और अब हम टूवर्ड्स जा रहे हैं नूरपुर की ओर वाया शिमला, तो दिखाते हुए चलेंगे आपको सारा रास्ता। निकल चुके हैं रामपुर से और सतलुज नदी के आपको दिखाएंगे नज़ारे, तो मिलते हैं आगे आपको। अभी एक ये एरिया यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा आपको, आप पहाड़ देख सकती हैं। तो यहाँ पर ना एक डैम का काम लगा हुआ है, नया डैम बन रहा है और उसकी पहाड़ों की कटाई हो रही है यहाँ पे दूसरी साइड में, तो बढ़िया डैम बन रहा है। और यहाँ पर कई बार, पिछली बार हम रात को 11:30 पहुंचे थे और आधा घंटा जाम में फंसे रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पे कुछ कटाई का काम लगा हुआ था। देख सकते हैं आप क्या नज़ारे हैं यहाँ पर। अभी हम कुमार सेन के नज़दीक हैं, कुमार सेन पहुँचने वाले हैं, और देख सकते हैं आप कितने बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ पे पहाड़ों पर। और ये सेब के बाग हैं, और वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है ना कुछ, ये इन्होंने सेबों को कवर किया हुआ है, वो इसलिए ताकि उनकी सेफ्टी की जा सके, कोई कीड़ा होता है उससे बचाने के लिए। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर। ऑलमोस्ट नारगंडा पहुंच चुके हैं और बहुत ही ठंडा मौसम है यहाँ पर। मैं दिखाऊं आपको तो वादियाँ बहुत ही बेहतरीन है यहाँ की, और यहाँ पे एक बंदर भी है, मंकी है मेरे पीछे, और घना घंघोर जंगल होता है यहाँ पर। जंगल का तो कोई है ही निशानी कोई नहीं है यहाँ पर, तो ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। गाइस ये देखिए आप, नारगंडा अभी जस्ट हमने क्रॉस किया है, और ये आप देख सकते हैं व्यू क्या है। ये सेब के बागान हैं जिन्हें कि अभी लोगों ने ना, इनके जो मालिक हैं उन्होंने ढका हुआ है, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ये इनकी। ये क्या करते हैं कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, जिसके लिए कई कई लोगों ने ना इनको दिखाया अपने अपने ब्लॉग्स में, लेकिन मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो ये नहीं बता पाए कि
कि इसको क्यों मतलब ढका होता है, ताकि कोई कीड़ा होता है वो इसको ख़राब ना करे, उसकी सेफ्टी के लिए। आप देख सकते हैं निचली साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी है एरिया, यहाँ पे भी यही हाल है। और बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ पर देखें तो। आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको और आगे क्या। गाइस एक बात और बतानी है, इस समय क्या है ना कि यहाँ पर सेब का सीज़न है लगा हुआ, और सेब की कटाई हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन है। और ना बहुत सारे आड़तीये हैं जिन्होंने कि वहाँ पर अपना अपना वो रखा हुआ है, एक गोडाउन सा बनाया हुआ है, और ऑल ओवर इंडिया में जो है यहाँ से सेब की सप्लाई हो रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ नज़ारे। ये देखिए ऊपर वही सेब के बगान जिनको ढका हुआ है, और ये देखिए ये मेरे लेफ्ट साइड में जो है ये सेब की यहाँ से जो है मंडी जा रही है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं, तमिलनाडु से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के ऑल ओवर इंडिया के ट्रक हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे, दिखाऊंगा अभी आपको। ये देखिए नज़ारे आ गए, आप क्या नज़ारे हैं, सेब के बाग ऊपर, बहुत ही बढ़िया और मज़ा आ रहा है ये सब कुछ देखने में। गाइस देख सकते हो क्या नज़ारे हैं, पूरा वाइट वाइट है ये, और ये पूरे सेब के बागान हैं जिनको कि कवर किया गया है। कवर किसे किया है, कुछ इन्होंने नेट से लगाए हुए ताकि वो कीड़ा ना इनको खराब कर सके। देखिए गाइस क्या बात है भाई, गॉड क्या जबरदस्त है नज़ारा। गाइस रोड जो है ना ए क्लास रोड है यहाँ के, बहुत बढ़िया रोड है, और तभी यहाँ पे टूरिस्ट आना चाहता है, देखना चाहता है यहाँ की ब्यूटी को। शिमला से नारकंडा के लिए बहुत ज़्यादा लोग आना पसंद करते हैं, और देख सकते हैं आप रोड कितने ही स्मूथ, कितने ही। और ये देखिए एक बाईसाइकिलिंग करके बंदा जा रहा है, एक मुझे पहले पीछे भी नज़र आया था कोई जो कि साइकिल से राइड कर रहा था, और ये भी चला हुआ ना जाने कहाँ को चला हुआ, कहाँ से आया कुछ नहीं पता, बस चला ही हुआ है। और हम इंजॉय कर रहे हैं, वो आड़ती है यहाँ से सामान जा रहा है, ये सारा का सारा सेबों का जो है, तो जल्दी जल्दी दिखाना पड़ा मुझे आपको कि सेब के जो वो जा रहे हैं, ये गाड़ियाँ जितनी भी लगी हुई हैं वो देखिए आगे ट्रक, ये जो लोड हो रहा है ट्रक पता नहीं कहाँ जा रहा है, इंडिया के किस कोने में जा रहा है, और सेब भरे जा रहे हैं इसमें, और यहाँ से सारा सेब जो है देश के कोने कोने में जाता है। अभी हम लोग फागू क्रॉस कर रहे हैं, और देख सकते हैं कितनी फॉग है यहाँ पे, इसीलिए इस जगह का नाम अंग्रेजों के टाइम से फागू रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो है, हम लास्ट टाइम भी अभी जब परसों आए थे रात को तो रास्ते में हमें धुंध दिखी थी, तो इसका मतलब हम फागू से ही हम क्रॉस कर रहे थे उस समय, आर्श ने हमें बताया था। तो अभी यहाँ पे धुंध भी है काफ़ी ज़्यादा, और हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं शिमला, 22 किलोमीटर रह चुका है यहाँ से, देखते हैं आगे क्या बनता है, कैसे पहुँचते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं, कुफरी क्रॉस कर चुके हैं, शिमला 8-10 किलोमीटर रह गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या नज़ारे हैं, एकदम बढ़िया नज़ारे। और ये कुछ पॉइंट है यहाँ, बैकी पॉइंट वगैरह होते हैं, थोड़ा सा मैंने साइड में लगाई है गाड़ी, और कुछ ट्रैवलर भी रुके हुए हैं यहाँ पर बाइक में अपनी, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये बैक साइड में ना मेरी ये कुफरी के जंगल हैं, मतलब कुफरी तो ऊपर रहता है पॉइंट पे, अभी मैंने आपको फागू दिखाया जहाँ पर बहुत सारी स्नो नहीं थी सॉरी अपना फॉग थी बहुत सारी। और कुफरी क्रॉस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है, लोगों को कहा जाता है ये सारा कुफरी का जंगल है, लेकिन ये जंगल तो है लेकिन कुफरी थोड़ा ऊपर है, मैं दिखा नहीं पाया आपको क्योंकि वहाँ ट्रैफिक थी, बहुत सारे ट्रक रुके हुए थे, वहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई थी, और उन गाड़ियों में जो है चेकिंग की जा रही थी, कुछ एंट्रियाँ हो रही थी उन गाड़ियों की, उन ट्रकों की, जिसमें कि सेब लेकर के जा रहे थे वो लोग। तो गाइस फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगा, क्योंकि अभी हमें बहुत जल्दी है, लगभग 1:15 बज रहा है, रात को 10-11 बजेंगे हमें घर पहुंचते हुए। और होप करता हूं आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, और घंटी का बटन दबा करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और फिर हम चलते हैं घर की ओर, और शिमला मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मिलेंगे बढ़िया से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय गाइज़।